इलेक्ट्रिक स्कूटर और ये लॉर्ड्स ऑटोमेटिव का इलेक्ट्रिक स्कूटर है जूम प्लस से आप देख रहे हैं आगे से। और काफ़ी सारे वीडियो में मोटर का वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और अभी ये नया प्रॉब्लम के साथ आया है और ये स्कूटर में देखिए, अभी मैं चाबी ऑन किया हूँ, इसमें पार्किंग मोड दिखा रहा है और ये थर्ड मोड पे है और चार्जिंग इसमें फुल है अभी, तो इसका मैं पार्किंग हटा देता हूँ। ये देखिए पार्किंग हट गया, अभी 0-0 हो गया है ये देख रहे हैं आप। और धूप से थोड़ा दिख नहीं रहा है कैमरे में बराबर, तो मैं थ्रोटल दे के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रन भी होने लगा, ये देख रहे हैं आप 45 के स्पीड में चल रहा है। और मोटर दिखाता हूँ इसका, ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है लेकिन रन कर रहा है बराबर, आप देख रहे हैं ये। और 45 के स्पीड में चल रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें अभी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बैठ जाते हैं और ऊंची जगह पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसमें लोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो लोडिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, वो मोटर इसका खोलने वाले हैं। और कस्टमर ये भी बताता है कि दो आदमी बैठते हैं तो भी इसमें लोडिंग का प्रॉब्लम आता है, या ऊँची जगह पर चढ़ाते हैं तो, या अचानक एक्सीलेटर मारते हैं तो भी आवाज़ करता है। तो ये समस्या इसमें आ रहा है, तो इसको अभी कैसे हम ठीक करेंगे वो इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको मैं शोरूम पे लेके चलता हूँ फटाक से, क्योंकि मैं इसको ट्रायल लेने के लिए बाहर आया था। और थ्री स्पीड थर्ड मोड पे लगा के एक्सीलेटर अचानक देते हैं तो आवाज़ कर रहा है, और उसके बाद चलने लगता है तो सही हो जाता है, लेकिन जैसे ऊंची जगह पे चढ़ाते हैं या दो आदमी बैठते हैं तो भी आवाज़ कर रहा है। ये मोटर पूरा चलने ही नहीं लगता, मतलब आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो इसको अभी सही करने वाले हैं। बाकी ऐसा अगर आप स्लो मौसम में चलिएगा सिंगल सवारी बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक एक्सीलेटर मारिएगा बम्फर वगैरह पे स्लो करके तो भी इसमें दिक्कत आ रहा है। तो चलिए इसको सही कैसे करते हैं और कैसे होगा वो इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। पे लेकर के आ गया हूँ और इसका डिकी मैं ओपन किया हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं किया। और काफ़ी सारे भाई का कमेंट आता है कि आप पूरा वीडियो बनाया करिए, जैसे कि इसको खोले कैसे, इसको फिट कैसे किए, तो ये सब मैं वीडियो में नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो काम है, जो इसका काम कर रहा है उसको नॉर्मल मालूम ही होगा कि मोटर ओपन कैसे किया जाता है और वायर इसका कहाँ कनेक्ट है, तो ये सब मैं वीडियो में उतना नहीं दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग जो कमेंट करते हैं कि पूरा दिखाया करिए, तो इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिए तो ही आपको मालूम चलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे पीछे का मोटर खोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपको दो स्क्रू स्टार वाला खोलना है, तो मेरे पास गन मशीन है, मैं इससे खोल लेता हूँ फटाक से। तो दो इसमें स्टार वाला स्क्रू है, ये आपको बाहर ले लेना है। और ये ढक्कन ओपन हो गया, इसके अंदर एक नट है, 10 नंबर का टीपाना से आपका नट खुल जाएगा, और एक इधर है, तो ये दोनों को आपको खोलना है। तो इधर का नट खुल गया है और ये भी खोल दे रहा हूँ, ये देखिए। और ये फाइनल जो है प्रोडक्शन प्लेट, ये बाहर आ गया है, दो स्क्रू इसमें लगा था। और यहाँ पर भी 10 नंबर का एक नट है, ये वाला, ये भी आपको खोल देना है, तो ही आपका मोटर पूरा बाहर आएगा। तो ये वाला भी मैं जो 10 नंबर का नट था वो खोल दिया हूँ, और अब ये बड़ा वाला नट खोलना है, जो कि इसमें 21 नंबर का फिक्स स्पैनर में देखिए यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको चाहिए तो ही आपका ये नट खुलेगा। और दूसरा स्पैनर भी है तो 21 नंबर का ही लगेगा, गोटी पाना हो गया या फिर रिंग स्पैनर आता है वो हो गया, तो आप उससे ये भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये वाला चाहिए। तो ये नट खोलने के बाद आपको ब्रेक लूज कर लेना है इसका, और उस तरफ का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, आपको साइड पैनल खोलना है, फिर 10 नंबर का नट खोलना है और ये फिर खोल देना है, देखिए खुल गया। और ब्रेक आपको लूज कर देना है, तो पूरा नट जो है मैं बाहर ले लिया हूँ, बोल्ट जो है। और ये देखिए, ये इसमें प्लेट लगा रहता है ये, तो काफ़ी सारे भाई का ये भी दिक्कत होता है पंचर वगैरह वाला जो खोल देते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा लगाना है, तो ये ऐसा रहता है, उसके बाद ये रहता है, देखिए ये ऐसा, तो ये आपको याद रखना है, ये पहले निकालें, फिर ये वाइसर हो गया स्प्रिंग वाला, फिर ये, और इसके अंदर भी एक देखिए कट वाला लगा है, देख रहे हैं आप ये, तो ये अंदर के साइड में रहता है, बाहर के साइड में आपको नहीं रखना है। तो चलिए उस तरफ से खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 नंबर का नट खोल लेता हूँ,
और गन मशीन आपके पास है तो काम काफ़ी इजीली हो जाता है, और अगर नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर से तो होता ही है, बाकी अगर ये मशीन है तो मशीन से काफ़ी फास्ट काम होता है। और इसमें एलिंकी बिट भी लगा सकते हैं, एलिंकी वाला जो टूल्स आता है एलिंकी पाना, उसको लगा के आप मोटर का नट भी खोल सकते हैं। तो अभी मेरे पास पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया, नहीं किधर रखा गया, क्योंकि शोरूम उधर से इधर जब शिफ्ट हुए तो उसमें टूल्स शायद दूसरे पेटी में कहीं रख दिया, तो नहीं मिल रहा मेरे को, तो मेरे को भी ये हाथ से ही खोलना पड़ेगा। ये फाइनल खुल गया, अब ये नट खोल लेते हैं। ये भी खुल गया पूरा, अब मेरे को ये नट बोल्ट खोल लेना है फटाक से। तो जब तक मैं ये खोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा नट बोल्ट जो है खुल गया है, और केबल टाई भी मैं काट दिया हूँ। अभी मोटर बाहर आ जाएगा, देखिए ये बाहर आ रहा है, तो अभी मैं इसको बाहर नहीं लेता, पहले ये नट मैं लूज कर लेता हूँ, सब बाहर ले लेता हूँ इसको। ये देखिए, तो ये सारा का सारा मेरे को खोल लेना है, ये देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपको नट खोल लेना है मोटर का, इस साइड का, ड्रम के साइड का नहीं खोलना है आपको, इस साइड से खोलना है। तो चलिए मैं फटाफट खोल लेता हूँ। तो इसमें टोटल 8 स्क्रू था, वो 8 स्क्रू मैं ओपन कर दिया हूँ, बाहर ले लिया हूँ, और इसको अब मोटर को बाहर लेता हूँ, और इसको ठोक के इसका जो प्लेट है वो बाहर लेना पड़ता है। तो इसको आपको ज़मीन में थोड़ा पटकना है या लकड़े के ऊपर, अगर ज़्यादा जाम है तो आपको ये लगा लेना है। ये इसलिए लगाना है क्योंकि इसका ये जो है ख़राब ना हो जाए, एक्सल ख़राब हो जाता है, तो ये शाफ्ट ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको ये नट लगाने में दिक्कत होगा, तो ये आप ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इसको मैं बाहर ले लेता हूँ पूरा, तो ये देखिए पूरा बाहर आ गया। और अब इसको लेता हूँ, ये इसका जो वाइसर है कट वाला, ये बाहर, अब ये ड्रम को बाहर लेता हूँ। तो ये थोड़ा जाम रहता है तो इसको घुमा के लेना पड़ेगा बाहर। तो बहुत सारे मोटर के अंदर एक वाइसर रहता है, ये पतला वाला, इसके अंदर 2 लगा है, देखिए ये आप देख रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लगा देना है, नहीं तो ब्रेक्स आपका जो है आवाज़ करने लगता है, अंदर टच हो जाता है। तो ये देखिए इसमें 2 लगा है, एक मोटा सा और एक ये पतला वाला, तो ये दोनों को बाहर ले लेता हूँ। अब मोटर का बारी आ गया, इसको ज़मीन में पटकते हैं लकड़े के ऊपर, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, और देखते हैं इसके अंदर क्या पानी गया है कि कुछ और दिक्कत है, या मैग्नेट का प्रॉब्लम है कि सेंसर का प्रॉब्लम है। तो चलिए ओपन करते हैं, और वीडियो में आप एंड तक बनी रहिएगा। और ये ओपन हो गया है, और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ था, देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पटकने के बाद ये बाहर आया। तो देखते हैं अभी इसमें पूरा, इसको बाहर लेता हूँ। ये देखिए इसका पूरा क्या हाल हो गया, इसके अंदर देख रहे हैं ये डस्ट, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इस मोटर का हालत ख़राब हो गया है। ये देखिए डस्ट, ये और इसका देखिए। तो इसको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करने के बाद देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये, तो इसको पूरा साफ़ करते हैं हम पहले। तो इसको आपको जम के साफ़ कर लेना है मेहनत से, एकदम से, जो एकदम नया जैसा दिखने लगे। तो इसको आप कितने भी घिसे का पॉलिश पेपर से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको एकदम से अच्छे से साफ़ कर लेना। मैग्नेट को आपको आराम आराम से घिसना है, क्योंकि मैग्नेट में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, तो इसलिए, और वो घिसने से मैग्नेट जितना घिसेगा उतना वो टूटता है, मतलब समझ लीजिए कि रेती जैसे बाहर आता है, तो उसको आपको कम घिसना है। लेकिन ये लोहा है, इसको आपको एकदम पूरा चिकना कर देना है ऐसा घिस के, इससे भी ज़्यादा आप साफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा भी जंग नहीं रहने देना है। तो इसको पूरा क्लीन करना है, तो पॉलिश पेपर से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। और आप ये धूल देख सकते हैं, इसमें जो जंग लगा था डस्ट, देखिए ये देख रहे हैं आप, पूरा पाउडर निकला है, और भी इसके अंदर है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैं निकालता हूँ, ये देखिए इतना इसके अंदर डस्ट है, तो इसलिए हो सकता है दिक्कत कर रहा होगा। तो इसको आपको पूरा क्लीन कर लेना है अच्छे से, पेट्रोल है, पेट्रोल से साफ़ कर लेना है, इसको पूरा चमका देना है। ये देखिए ढक्कन इधर का भी पूरा, देखिए, और इसको भी धुल देना है, और धूप से सुखा देना है अगर पेट्रोल से आप धुल रहे हैं तो, और कपड़े से साफ़ कर रहे हैं सूखे कपड़े से कोई बात नहीं है, तो फिर आप तुरंत इसको फिट कर सकते हैं। अगर पेट्रोल से धुल रहे हैं तो इसको थोड़ा धूप में रख देना है पेट्रोल से धुलने के बाद,
तो इसको मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली ये क्लीन हो चुका है पूरा। और देखिए पहले इस तरह था, देखिए जंग देख रहे हैं आप कितना इस पर मोटा सा परक चढ़ गया है, ये देख रहे हैं आप, ये जंग का देखिए, ये देख रहे हैं। और ये देखिए मैं क्लीन किया हूँ, तो आप ऐसा क्लीन कर लेना है, और अच्छे से कर पाते हैं तो और अच्छे से कर दें, क्योंकि बेहतर रहेगा और बढ़िया से कर दीजिएगा। लेकिन इससे ज़्यादा क्लीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं, अगर मशीन वशीन आपके पास है जैसे कि घिसने के लिए, पॉलिश पेपर लगा के घिस सकते हैं तो और अच्छे से साफ़ हो सकता है, ना तो हाथ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा। तो ये भी इतना बच्चा है, तो ये भी क्लीन कर लेंगे, और इस तरफ भी कर दिया हूँ। इसको कपड़ा मारना बाकी है, अभी कपड़े मारेंगे तो और चिकना दिखने लगेगा। और अभी मैग्नेट का बारी है, हम मैग्नेट साफ़ करने वाले हैं, ये देखिए। तो इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ पॉलिश पेपर से, और कपड़े से साफ़ करने वाला हूँ इसको पूरा। तो फाइनली गाइस ये पूरा क्लीन कर चुका हूँ, और देख सकते हैं आप पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसका पहले वाला जो जैसा था वैसा मैं दिखाना चाहूँ तो आप इसका देखिए, इस साइड का ढक्कन आप देख रहे हैं, ऐसा ढक्कन था, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जंग लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा था, और क्लीन करके मैं ऐसा कर दिया हूँ। तो ऐसा आपको पूरा क्लीन कर लेना है। और ये आप देख रहे हैं धूल, इसका देखिए जो डस्ट गिरा है, ये पूरा मोटर का ही डस्ट है। इसको भी क्लीन किया तो इसका ये जो डस्ट गिरा है, और ये मोटर का मैग्नेट में चिपका था, जो कि वापस से इसको चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, मतलब ये पूरा समझ लीजिए कि मैग्नेट का ही पाउडर है ये। और ये देखिए मैं इसको ऐसा किया हूँ, तो ये पूरा मैं देखिए पूरा क्लीन कर दिया हूँ अच्छे से, और पेट्रोल से थोड़ा धुल दिया हूँ इसको, और इसको नहीं धुला हूँ, इसको कपड़े से पोंछ दिया हूँ। और वो ढक्कन को भी क्लीन करने वाले हैं, और बेयरिंग में ग्रीस डाल के और वापस से इसको फिट करके उसके बाद चला के देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, या वैसे ही कर रहा है। तो मैं इसका जो बेयरिंग का है वो सील बाहर लेता हूँ, और ग्रीस इसमें डालता हूँ। तो इसके लिए आपको पतला सा खिल्ला चाहिए यार, ऐसा अगर है तो आपके पास ऐसा चाहिए पेचकस, जो पतला सा हो एकदम से, तो खिल्ला है तो खिल्ला से भी निकल जाएगा। तो ये देखिए इजीली बाहर आ जाता है, ये देख रहे हैं। तो देखिए बेयरिंग का जो ग्रीस है पूरा सूख गया है, मतलब इसमें है ही नहीं ग्रीस, तो इसके अंदर हम ग्रीस डालते हैं। और तो बेयरिंग में मेरे को थोड़ा प्ले लग रहा है, ऐसा ना हो कि उसको चेंज कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, बाकी अगर चलाना चाहे तो चल भी सकता है, लेकिन प्ले है तो अभी खोले हैं तो साथ में डाल देते हैं, क्योंकि मोटर बार बार नहीं खुलता है। और ज़्यादा करके बेयरिंग जो ख़राब होता है इस साइड का होता है, तो इस साइड का अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर मैं दोनों को चेंज कर देता हूँ अभी। तो ये वाला बेयरिंग में ज़्यादा प्ले है, उसमें तो प्ले उतना नहीं लग रहा है। और इधर का देखिए, इसमें बेयरिंग जो है ग्रीस इसका जो है काला पड़ गया है, इसका ग्रीस जो है क्लीन है, तो उस साइड का एक ग्रीस ज़्यादा करके पूरा सूख जाता है और वो बेयरिंग ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका मैं देख रहा हूँ तो ग्रीस उसमें ब्लैक हो गया है, लेकिन बेयरिंग में प्ले नहीं है और इसमें प्ले है, ऐसा कैसे हो गया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं नहीं होगा तो इसको चेंज कर देता हूँ बेयरिंग को, क्या क्या अच्छा रहेगा। और थोड़ा मोटर में आवाज़ भी था, और ये डस्ट के वजह से भी आवाज़ आ रहा था, क्योंकि मोटर जाम चलने लगता है ऐसे में। तो बेयरिंग में चेंज कर देता हूँ, और उधर का भी चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जंक्शन बॉक्स का वायर बाहर लेना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको तार से बांधा है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ तार प्लास से काट के। तो मैं प्लेयर ले लेता हूँ। तो बेयरिंग ख़राब होने से भी आपका जो मोटर में है डस्ट जमेगा, इसलिए क्योंकि जब मोटर का राउटर तिरछा घूमता है, आड़ा टेढ़ा मोटर घूमेगा, तो इससे क्या होगा कि मोटर में घिसते घिसते उसका पाउडर निकलने लगता है मोटर में, तो काफ़ी ज़्यादा मोटर और हीट ज़्यादा होगा। तो बेयरिंग का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बेयरिंग ख़राब है तो आपको चेंज कर ही देना है, नहीं तो आपका मोटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ने लगता है वैसे में। तो केबल टाई वगैरह मैं इसका काट दिया हूँ, इसका ढक्कन बाहर लेना पड़ेगा खोल के, ये खुल गया। और इसमें 8 mm का नट लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये तो ये खोल लेना है आपको तीनों, और ये प्लस माइनस का छोड़ देना है। तो आपको सबसे पहले बैटरी का वायर निकाल लेना है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी मोटर में कोई दिक्कत आता है तो पहले मैं ये पूरा नहीं खोलता हूँ,
इसका मोटर पहले बाहर लेता हूँ क्योंकि इसमें इतना लंबा वायर रहता है कि मोटर जो है इधर तक आ जाए। देखिए, और मैं पूरा काम कर लिया हूँ, मैं ग्रीस वगैरह डाल के इसको फिट कर सकते थे, और फिट करने के बाद मैं वापस ट्रायल ले लेता, उसके बाद अगर नहीं सही होता तो फिर मैं इसको खोलता, सेंसर वगैरह डालने का नौबत आता। तो अभी क्या हुआ, मैं बेरिंग के ग्रीस के लिए मैं इसको खोल रहा हूँ, और ओ बेरिंग डालने के लिए, तो इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसका जो है ग्रीस बेरिंग डाल लेता हूँ, उसके बाद इसको वापस फिट करता हूँ, और उसके बाद चला के देखेंगे कि ओके हुआ कि वो ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्लीनिंग वगैरह करना है, तो अब पास में गाड़ी बोर्ड वगैरह के पास भी खड़ा करके हॉल सेंसर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये पूरा वायर नहीं भी खोलिएगा तो भी चलेगा आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा नहीं खोलना है। अगर आप पूरा खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपका बोर्ड करीब में है तो आप क्या, अगर हॉल सेंसर वगैरह डालना है तो इजीली ये वायर इतना लंबा रहता है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको तो पूरा खोलना ही पड़ेगा। इसका वायर जो है बाहर लेके आप आराम से कर सकते हैं अगर छोटा है तो ये आपको ध्यान रखना है, वायर छोटा है तो आपको पूरा ये खोल के बाहर ही लेना पड़ेगा, अगर वायर लंबा है तो आराम से काम हो जाता है। देखिए, मैं पूरा क्लीन कर दिया हूँ, तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। ये तो आप अपने खुद से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको अगर खोलना है तो खोल सकते हैं, नहीं खोलना है तो कोई बात नहीं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ बाहर, तो मैं ये इसका जो नट है खोल लिया हूँ बाहर, और हॉल सेंसर का वायर निकाल लिया हूँ। अभी मोटर का जो वायर है ये बाहर आ गया है, देखिए अब ये बेरिंग जो है बाहर आ जाएगा इजीली, इसको ठोकना पड़ेगा, ऐसे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये केवल आपको बाहर लेना पड़ता है, तो इसलिए पूरा खोलना पड़ा मेरे को। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ पूरा, तो इसके ऊपर एक सील लगा रहता है, ये सील बाहर मैं ले लिया हूँ, ये देख रहे हैं, और वायर जो है तीनों फेस का वो बाहर आ गया है, लेकिन ये बाहर नहीं आता है, देखिए ये अड़ गया, ये बाहर नहीं आता, तो इसको काफ़ी दबाने के बाद ये अंदर जाता है, और नहीं तो आपको ये वायर जो है पांचों निकालना पड़ेगा खिल्ला से दबा दबा के, तो ये बाहर आएगा, ना तो दिक्कत करता है ये। और इस साइड का जो बेरिंग है वो बाहर आ जाता है, आपको इस साइड से ठोकना है, इस साइड से ठोकना है तो उस साइड से ये बाहर निकल जाएगा ऐसा, और ये बेरिंग को इधर से ठोकना है तो नीचे का साइड ये बाहर आएगा इस साइड। तो ये देखिए अभी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को दबाना पड़ेगा काफ़ी, दोनों हाथों से कस के दबाना पड़ेगा तो ये सॉकेट बाहर आ जाता है, और बड़ा सॉकेट है तो आपको इसका वायर जो है निकालना पड़ेगा, और सॉकेट को इधर रखना पड़ेगा, वायर उधर से निकल जाएगा। तो सॉकेट बाहर आ गया है, बेरिंग बाहर लेना है, तो बेरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेरिंग के लिए भी एक्सल वगैरह से ठोकना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें एक्सल रख के हो थोड़ी सी आपको ठोकना है तो ही बेरिंग बाहर आएगा। तो ये बेरिंग बाहर लेते हैं, तो ये बेरिंग बाहर आ गया है देखिए, और ये रहा, अब इस साइड का मैं सील लेता हूँ इसका बाहर, और ये बेरिंग को भी आपको ठोकना है इधर से। तो इसमें जो बेरिंग है 6204 का बेरिंग लगा हुआ है, और इसमें देखिए गलती से इसमें लग गया तो ये टूट गया मेरे से, ये देख रहे हैं आप, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से देखिए टूट गया ये पॉइंट, ये देखिए कॉर्नर इसका जो है, इस साइड से देखिए आप, तो बेरिंग जो है अटकता है, इसमें अटकता है पूरे में, और यहाँ से थोड़ा सा ये टूटा है, तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मेरे से टूटा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों बेरिंग लाता हूँ और उसमें पहले ग्रीस डाल लेते हैं, और ग्रीस डालने के बाद ये देखिए इसमें जो सील है ये बाहर लेता हूँ मैं, ये देखिए बेरिंग का ये सील है, तो ये भी आपको बाहर ले लेना है। तो मैं सबसे पहले बेरिंग लाता हूँ, उसमें ग्रीस करता हूँ, और ग्रीस करने के बाद फिर इसको जैसे निकाला हूँ इस साइड से, तो अब इस साइड से इसको बिठा देना है, बेरिंग को ऐसा रख के आपको दोनों बेरिंग ठोक देना है, और ये पुराना बेरिंग एक ये रहा और एक ये रहा, दो बेरिंग ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो मैं दूसरा वाला बेरिंग लाता हूँ जो भी डालना है। तो बेरिंग मेरे पास पहले से अवेलेबल है, और दो तीन कंपनी का बेरिंग है मेरे पास, जैसे कि एक ईयर है 6204, ये देखिए ये पहला लॉट में आया था, दूसरा लॉट में ये मंगाए थे, ये देखिए ये भी 6204 है, और अभी मेरे पास न्यू लॉट का जो मैं वीडियो डाला हूँ उसमें ये वाला आया है देखिए। तो मैं यही डालता हूँ सबसे पहला जो है वो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो ये लेके चल रहे हैं फटाक से, और इसको मैं डाल देता हूँ।
तो इस वीडियो में मैं पूरा दिखा दिया आपको, और पूरा देखते रहिए और भी आगे तक कि ये पूरा कंप्लीट हो पाता है कि इसमें कुछ और दिक्कत है। तो ये बेयरिंग बाहर मैं ले लिया हूँ, और काफ़ी सारे भाई का कमेंट आ रहा था इसलिए इस वीडियो को मैं पूरा फुल बना रहा हूँ, ना तो मैं वीडियो को कट कर देता हूँ बीच में से। तो ये दो बेयरिंग रहा, तो इस साइड का भी बेयरिंग मैं फिट कर दिया हूँ और इस साइड का भी बेयरिंग देखिए मैं लगा दिया हूँ। अब इसमें क्या करना है, आपको सील लगाना है, और सील ये, और इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है अभी बाहर आ गया तो इसको भी इसमें डाल देना है आपको। तो ये डालने के बाद आपको इसके अंदर लगा देना है इस साइड भी और उस साइड भी इसमें। और दूसरी बात, आपको इसमें पूरा पैकिंग ट्यूब लगा देना है, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, जो कि पानी वानी जाने नहीं देगा इसके अंदर, वाटर सील कर देगा पूरा, इसलिए इसमें ऑयल सील लगा रहता है उस साइड, जो कि पानी नहीं जाता। तो ये आपको पूरा लगा देना है, और मैं ये लगा रहा हूँ देख रही। तो आपके पास कोई सा भी रबड़ वाला ट्यूब है तो आप वो लगा सकते हैं। बाइक वाइक का इंजन में भी बहुत सारा ट्यूब यूज होता है ना, तो इसके लिए स्पेशल भी आता है मोटर के लिए। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का जहाँ सामान मिलता है दिल्ली में, वहाँ बोलिएगा ये वाला चाहिए तो आपको दे देगा कि मोटर का। तो ये मैं पूरे में लगा दिया हूँ, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर सूखने भी दे सकते हैं ना, तो तुरंत फिट करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरे में लगा दिया हूँ, इधर बाकी आपको लगा ही देना है, क्योंकि ऐसे ना हो कि इसमें पानी चला जाए वापस से, पानी की वजह से इसमें इतना डस्ट आया था। तो अब बिना देर किए मैं इसको फिट करता हूँ, और आप बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मैं इसको फिट कर रहा हूँ फटाक से। तो ये जो है मोटर में शाफ्ट को अंदर फिट कर दिया हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, शाफ्ट को पकड़ना है और इसको पकड़ना है एक हाथ से, और इसको जैसे अंदर लीजिएगा तो ये अंदर चला जाता है। उसके बाद आप लकड़ी वगैरह से इसको ठोक देना है, और ठोकने के बाद आपको इसका जो छेद है वो आपको मैच कर लेना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रू जो है टाइट कर देना है प्यार से। अगर तिरछा जा रहा है तो आपको देखना है कि टेढ़ा ना जाए, नहीं तो आपका जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, और ये तिरछा जाएगा तो मालूम चल जाता है कि टेढ़ा जा रहा है, देखिए ये ऐसे में। तो आपको ये सीधा लगाना है और बराबर मैच करके लगाना है। तो फटाफट मैं सारा स्क्रू जो है डाल देता हूँ, लेकिन पूरा मेरे को सब टाइट नहीं करना है, अगर सारा आप डाल रहे हैं तो भी, यानी तो आप दो तीन स्क्रू लगा के भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसका। तो मैं स्क्रू लगा, तो मोटर का मैं 4 स्क्रू लगा चुका हूँ, और इसको आप स्विंगम में फिट करने वाले हैं, ये देखिए। तो इसको आपको घुमा के देख लेना, ये देखिए फ्री घूम रहा है ये। और फिट करने में आपको सेम प्रोसेस अपनाना है जैसे आप खोले थे वैसे आपको फिट करना है, कलर बाय कलर लगा देना है, अगर रॉन्ग था तो रॉन्ग आपको लगा देना है। तो ये ज़्यादा करके कलर बाय कलर रहता है, तो मैं इसको कलर बाय कलर लगा देता हूँ। हॉल सेंसर का वायर लगा देना है आपको, और मोटर का जैसा नट मैं आपको बताया था कि किसके बाद किसके रहता है वाइसर रहता है, वैसे आपको फिट करना है इसको। तो ये मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, और इसको भी फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये गाइस इसको मैं पूरा फिट कर दिया हूँ अभी, और फिट करने के बाद इसका जो साइड वाला पैनल वगैरह है ये भी खुला है, और स्क्रू इसका खुला है, अभी देख रहे हैं मोटर का स्क्रू, और ये भी अभी लूज है, ये पूरा फुल टाइट नहीं किया हूँ, कंप्लीट पूरा मतलब फिट नहीं हुआ है। बाकी जो मोटर है रनिंग कंडीशन में इसको मैं चालू कर दिया हूँ, और अभी देखिए ऑन किया हूँ, ये 0-0 हो गया है, पार्किंग मोड हटा दिया हूँ, थ्रोटल दे रहा हूँ मैं, ये देखिए 45 का स्पीड में चल रहा है, थर्ड मोड पे है, और मोटर का रनिंग देखिए, ये पहले से आवाज़ कम हो गया, और ब्रेक में ज़्यादा टाइट किया हूँ इसलिए थोड़ा सा चिक चिक बज रहा है, मतलब थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है चुक चुक ऐसा। तो ये भी बंद हो जाएगा ब्रेक एक दो बार मारने से, और अब इसका लोडिंग कैपेसिटी नापना है, और कस्टमर भी यहीं बैठे हैं। तो टूल्स हटा लेता हूँ मैं, और इसको चलाने के बाद ही मालूम चलेगा। तो सीट रखता हूँ इसके ऊपर, ये मैं सीट रख दिया हूँ, इसका नट वगैरह देखिए खुला है पूरा, और ये हो गया, और ये देखिए लगा दिया मैं। अब इसको टेस्टिंग के लिए बाहर लेके जाता हूँ, ये पैनल हो गया, इसका पैनल साइड हटा देता हूँ, ये सारा सामान, ये देखिए इसका स्क्रू इतना भी बाकी है लगाना,
मोटर का भी बाकी है और ये सब नट भी ढीला है, ये देखिए। तो इसको मैं लेके चलता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो अभी ये स्कूटर का मैं टेस्टिंग ले लिया हूँ और मैं उधर से चलाते हुए आया और इसको थर्ड मोड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड मोड पे, तीनों मोड पे मैं इसको टेस्टिंग किया। और कैसे किया टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि इसके ऊपर बैठने के बाद, जब डबल स्टैंड से नीचे उतारने के बाद इसके ऊपर बैठ जाते थे और बैठने के बाद जब थ्रोटल अचानक फुल देते थे एक ही बार में, ऐसा नहीं कि ऐसा धीरे धीरे दे रहे हैं, देख रहे हैं आप मीटर, एकदम से ऐसा धीरे धीरे नहीं देना, आपको एकदम से फुल दे देना है एक ही बार में पूरा। तो इससे क्या हो रहा था, मोटर में आवाज़ आके उसके बाद उठता था, मतलब एक बार मोटर में आवाज़ करता था उसके बाद उठ जाता था, मतलब चलने लगता था, ऐसा हो रहा था। या फिर एक्सीलेटर छोड़ देता था, मतलब पावर पूरा ही छोड़ देगा, वापस से एक्सीलेटर लोगे तो फिर काम करता था। तो ऐसे में, तो अभी मैं क्या किया, इसको थर्ड मोड पे, जो इसका जो मोड है थर्ड मोड पे मैं सेट किया, और सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं बैठने के बाद मैं फुल एक्सीलेटर दे के देखा तो भी ये दिक्कत नहीं कर रहा, फिर थोड़ा ऊँचाई में भी चढ़ा के देखा और कोई दिक्कत नहीं कर रहा। अभी मैं इसको डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के इधर लाया हूँ, रोड इधर देख रहे हैं हम नीचे है, और डिवाइडर के ऊपर मैं चढ़ाया तो भी कोई दिक्कत नहीं किया, और उसको स्लो मोशन में भी चढ़ा के देखा, और फास्ट में तो चढ़ ही जाता है, जब रनिंग कंडीशन रहेगा जैसे कि तेज़ चल रहा है तो कहीं भी चढ़ जाएगा, अब स्लो करके चढ़ाइएगा तो इसमें मालूम चलता है। तो आप इसे टेस्टिंग कर लेना है तभी कस्टमर को आपको देना है, ऐसा नहीं कि आपको तेज़ी से चढ़ा के दिखा दिए और कस्टमर बाद में लेके गया और वापस वो लेके आ गया। तो आपको अच्छे से टेस्टिंग कर लेना है, अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप कस्टमर को बता देना है कि ये ओके नहीं हो पाया है, नहीं होगा। तो ये जो है ओके हो गया है, और इतना ज़्यादा ये जाम था कि ये नट जो है ख़राब कर दिया, मैं ठोक ठोक के देखिए, और एक्सल जो है एक्सल बचा लेकिन नट देखिए, और एक्सल में भी नट ये नहीं चढ़ने लगा, मतलब ऐसा हो गया, अगर खाली एक्सल में ठोकते तो एक्सल पूरा बेंड हो जाता, नट कभी नहीं चढ़ता। तो ये देखिए, आपको ग्लेंडर मशीन से नट को थोड़ा कट करना पड़ता है, इसका जो शाफ्ट है उसको कट करना पड़ता। तो ये देख रहे हैं आप, हथौड़ी मारे हैं इसके ऊपर तो ये बैंड हो गया है, ज़मीन में पटक के देखें तो नहीं निकल रहा था, इतना ज़्यादा जाम था। तो ये नट जो है चढ़ जाएगा, इसको सीधा करके वापस लगाना है और स्पैनर से धीरे धीरे करके टाइट करना है, तो टाइट हो जाएगा क्योंकि मोटा चूड़ी वाला नट है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है मोटर जो है ओके हो गया है। तो अभी मैं इसका जो सारा सामान जो है इसमें जो बाकी है फिट करना, वो मैं फिट करता हूँ, और फिट करने के बाद कस्टमर से एक बार ट्रायल दिलवाता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या ये ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए, इसको मैं शोरूम पे लेके चल रहा हूँ, और शोरूम पे लेके जाने के बाद कस्टमर से एक बार पूछते हैं कि ये ओके है कि नहीं है, उसको चला के, क्योंकि उन लोग दो लड़के आए हैं साथ में और उनके पिताजी भेजे हैं, क्योंकि अगला बार वो लेके आया था तो मैं बोला कि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए वो रिटर्न लेके चला गया था। तो चलिए, इसको मैं शोरूम पे लेके चल रहा हूँ। तो फाइनली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेडी हो चुका है, और जो साथ में लड़का आया वो चला के देख लिया है, ये यहाँ पे है, अभी चला के आया तो बोल रहा है कि बराबर है, और सारा के सारा स्क्रू जो है वो टाइट कर दिए हूँ इसका, देखिए, और ये देखिए। तो अभी इसको बताइए, तो अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और बता रहे हैं कि ये इंडिकेटर जो बटन है, ये मतलब बैक लाइट जो लेफ़्ट राइट का है, इसमें दिक्कत है, लेकिन ये बटन का दिक्कत है, लेट से चालू होता है। तो ये पूरा ओके हो गया है, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।